एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की, जहां पर आपको ये वर्ड्स देखते ही साथ सीडीपी में पैडागॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप अपना टाइम सेव करके इस वाले टाइम को दूसरे सब्जेक्ट्स में लगा पाएंगे। ओनली जहां पर भी दिया हो कि आपको बच्चे को केवल इसी मेथड से पढ़ाना है ओनली, तो ये एक नेगेटिव टर्म होगा। पैसिव लर्निंग, बच्चे को आप पैसिव तरीके से पढ़ा रहे हो, वो क्या सीख रहा है, उसकी क्या ज़रूरत है, आप बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हो। पैसिव टीचिंग, आप आए, आपने पढ़ा दिया, आपने ये नहीं देखा कि बच्चों को कितना समझ आया। पनिशमेंट, अगर बच्चे से कुछ गलती हो गई या कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पाया, वो जो काम नहीं कर पाया जो आपने उसे दिया था, तो आपने उसको पनिश कर दिया। फियर, आपने उसके अंदर इतना ज़्यादा फियर रखा है कि अगर बच्चा कुछ करना भी चाह रहा है तो उसे एक वो डर लगेगा कि अगर मुझसे गलती हो गई तो टीचर मुझे मारेंगे। रोट लर्निंग, जहाँ पर आप बच्चे को बिल्कुल रटवा रहे हो चीज़ें, उसको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है डजंट मैटर, बस आपको ये है कि उसको चीज़ें रटवा दी जाए। लेक्चर, आप क्लास में आए, आप पढ़ाकर चले गए, बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि आपने तो केवल अपना लेक्चर दे दिया। डेफिनेशन, आप डेफिनेशन क्रैम करवा रहे हो बच्चे से, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, आपने ये नहीं बताया कि उस जगह का नाम, उस किसी चीज़ का नाम नाउन होता है। मेमोरी रिकॉल, आप बच्चे को रटवा रहे हो, मेमोरी करवा रहे हो, क्रैम करवा रहे हो कि बस इस चीज़ को तुम याद रख लो। ड्रिल प्रैक्टिस भी रोट मेमोराइजेशन में आएगी। टीचर सेंटर्ड, आजकल का जो क्लासरूम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, लेकिन आप टीचर सेंटर हो, आपको जो अच्छा लग रहा है केवल आप अपने हिसाब से काम करवा रहे हो। डिस्करेज, अब आपको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए बच्चों को, अगर आप डिस्करेज करेंगे तो वो मोटिवेट नहीं होंगे और उनका जो काम है, जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो सही से नहीं हो पाएगा। डीमोटिवेट, हमें बच्चों को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना है। फिर है सेग्रीगेट, लेवलिंग, ग्रेडिंग, ग्रुपिंग, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हैं कि आपने बच्चों को आइसोलेट कर दिया, आपने बच्चे को सेग्रीगेट कर दिया, आपने बच्चों को लेबलिंग कर दी कि तुम होशियार हो, तुम कम होशियार हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। ग्रुपिंग कर दी कि ये इस काम में एक्टिव है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम इस ग्रुप से अलग रहो। जब इस तरीके से वर्ड्स आपको दिखेंगे पैडागॉजी सीडीपी में, तो आपको समझ जाना है कि वो ऑप्शन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में नॉट दिया है तो इन वर्ड्स पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा और आपका सही आंसर वही कहलाएगा। फिर कंपैरिजन, वही कि आपने कंपेयर कर रहे हो कि देखो ये बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, ये स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रहा है, ये एकेडमिक्स में इतना अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे। भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कहाँ से कोई बच्चा एक चीज़ में अच्छा है तो कोई दूसरे में अच्छा होगा। फिर बात है इग्नोर, जैसे अगर बच्चे ने कुछ पूछा आपसे, ठीक है उस समय एज अ भले ही टीचर है लेकिन होता है ना कि टीचर को भी हर चीज़ नहीं आ रही है, तो अगर नहीं आ रही तो उसकी जो इच्छाएं हैं या जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें दबाओ मत, उन्हें इग्नोर मत करो, उसे समझो। अगर वो चीज़ आपको वहीं आ रही आप एक्सप्लेन कर दो, लेकिन अगर आपको नहीं आ रही तो आप बच्चे से बोलो कि ठीक है बेटा मैं आपको ये कल एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर बात आती है ऑटोक्रेटिक, ये 2019 सीटेट का था कि ऑटोक्रेटिक हो या टीचर डेमोक्रेटिक हो, तो ऑटोक्रेटिक नहीं होना है, सत्तावादी नहीं होना है, आपको तो फैसिलिटेटर की तरह काम करना है। जब भी आपको लगे कि आप कोई भी पैडागॉजी का आंसर नहीं बना पा रहे हैं, तो हमेशा एक बात याद रखना, आपको खुद को उस प्लेस पर रखना कि आप टीचर हो और आप बच्चे को कैसे ट्रीट करोगे, ठीक है। फिर है कंट्रोल, आपको बच्चे को कंट्रोल नहीं करना कि यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, ऐसे मत करो, ये मत करो, उनको फील्ड वर्क भी करवाओ, उनको ग्राउंड में भी ले जाओ, उनको लाइब्रेरी में भी ले जाओ, उनको एकेडमिक्स में भी अच्छा रखो, साथ के साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छा रखो। ब्लैंक स्लेट, ये जॉन लॉक ने कहा था, ये स्टेटमेंट याद रखना। ऐसा नहीं कि बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता, बच्चा अपने घर परिवेश से काफ़ी कुछ सीख कर आता है, बस उसको जो शेपिंग देनी होती है ना वो स्कूल करता है। फिर आता है डिफरेंस, आप ऐसे नहीं कि कोई भी बच्चा तुम्हें ये नहीं आ रहा तो तुम्हें ये क्यों नहीं आ रहा, भाई इसको आ रहा है। आप कंपैरिजन, डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा याद रखो, अलग अलग संस्कृति से बच्चा आ रहा है, अलग अलग रिलीजन का आ रहा है, तो सबको इक्वल इक्वल मानो। फिर है एक्सटर्नल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में ना ज़्यादा टाइम तक चीज़ें रन नहीं करती, तो आपको एक्सटर्नल डिसिप्लिन थोपना नहीं है बच्चे पर। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आपने केवल ये कह दिया कि अगर तुम इसमें पास हो जाओगे तो तुम्हें मैं ये दूंगा या वो दूंगी, तो नहीं, आप उसको इंट्रिंसिक मोटिवेट करो कि बेटा अगर आप पास हो गए तो आप ये चीज़ अच्छा कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में ये कर लोगे, ये अचीव कर सकते हो, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत लॉन्ग टाइम तक रन करता है। फिर सबमिटिव असेसमेंट कभी अच्छा नहीं होता क्योंकि ये ग्रेडिंग करता है बच्चों की, याद रखना। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लास दिया जाता है, ड्यूरिंग द सेशन दिया जाता है, सबमिटिव असेसमेंट एंड ऑफ द सेशन होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, भाई आप बच्चे को सीखने के लिए वही नहीं कर रहे कि हाँ ठीक है
चारों पांचों दिशाओं में नहीं सोचना, तुम तो केवल एक सोचो। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चंस। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ग्रुपिंग नहीं करनी है, फोकस्ड ऑन आउटकम कभी नहीं करना। आप उस प्रोसेस को देखो कि बच्चा क्या प्रोसेस कर रहा है, उसकी प्रोसेस मतलब किस तरीके से। ये नहीं उसका आउटकम देखा, जैसे 3 घंटे का पेपर है, हमने जो साल भर पढ़ा वो कभी कोई मायने नहीं रखता, बस वो 3 घंटे का 2.5 घंटे का पेपर हमारा फ्यूचर डिसाइड कर देता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड अवर फ्यूचर। ठीक है, उस समय उस एग्जाम में पास नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, हम हमारे जीवन में तो पास हो ही सकते हैं। इस तरीके से खुद में एक मोटिवेशन बनाए रखो। सीटेट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप सब लोगों का सीटेट क्लियर हो जाए, लेकिन किसी कारणवश रह भी जाए तो प्लीज डिमोटिवेट मत होना। खुद में पोटेंशियल है, बस ये सोचना कि हाँ मैं कुछ अच्छा अचीव कर सकता हूँ, ये पेपर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। चलिए फिर हम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये निगेटिव टैग वर्ड्स अच्छे लगे हो, सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।